नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल और आप सभी मेरे साथ देख रहे हैं एशियन भारत। अब वक्त हो चला है सियासी महाभारत का और सियासी महाभारत में आज हम बात करेंगे दमोह लोकसभा सीट पर। राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना ही दुश्मन। दमोह लोकसभा सीट पर हर नेता, चाहे वो भाजपा का हो या कांग्रेस का, इस बात को दोहरा रहा है। दमोह लोकसभा सीट पर दो पुराने दोस्तों के बीच मुकाबला है। दोनों आपस में रिश्तेदार भी है। दोनों के बीच समानता ये भी है कि दोनों ही कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं। बीजेपी ने राहुल लोधी को टिकट दिया है, जो 2020 में कांग्रेस की विधायिका छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने की आस थी, लेकिन पार्टी ने लोकसभा में टिकट देने का भरोसा दिया था। वहीं कांग्रेस की तरफ से तरवर सिंह लोधी मैदान में है। दमोह लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में है। एक सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी मोदी सरकार की गारंटी पर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी तरवर लोधी इसे दमोह की जनता के स्वाभिमान का चुनाव बता रहे हैं। दमोह में दूसरे चरण में चुनाव होगा, यहां 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। उसके नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे ही झटका कांग्रेस को 2020 में लगा था, जब सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी। उसके बाद भी कांग्रेसियों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी रहा। राहुल लोधी ने भी उसी दौरान पार्टी छोड़ी थी, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर बीजेपी उम्मीदवार जयंत मलैया को मात दी थी। राहुल के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद दमोह सीट पर उपचुनाव हुआ, लेकिन वे कांग्रेस के अजय टंडन से ये चुनाव करीब 17,000 वोट से हार गए। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के नेता जयंत मलैया पर चुनाव हराने का आरोप लगाया था। इसी के बाद पार्टी ने जयंत मलैया और उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की थी। इधर उपचुनाव हारने के बाद तत्कालीन सीएम शिवराज ने राहुल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। राहुल लोधी 2023 के विधानसभा चुनाव में भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनकी बजाय जयंत मलैया पर भरोसा जताया। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान दमोह में पीएम मोदी की सभा हुई थी, उस दौरान राहुल लोधी को लोकसभा टिकट देने का भरोसा दिया गया था। विधानसभा चुनाव में दमोह के पूर्व सांसद प्रहलाद पटेल को टिकट देने से तय हो गया था कि यदि प्रहलाद पटेल विधायक का चुनाव जीते तो दमोह से किसी नए चेहरे को टिकट मिलेगा। लोकसभा की टिकट की दौड़ में दमोह से सुधा मलैया, अभिषेक भार्गव, प्रीतम लोधी, दशरथ लोधी, रामलाल पटेल जैसे कई दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने राहुल का नाम तय किया। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने दमोह लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने बंडा के पूर्व विधायक तनवर सिंह लोधी को अपना प्रत्याशी बनाया। पार्टी ने यह दावा लोधी बहुल्य सीट होने के चलते खेला है। सरपंच पद से तनवर सिंह ने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। 2018 में विधायक बनने के बाद अब दमोह लोकसभा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इससे पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व विधायक राहुल सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अब भाजपा और कांग्रेस की दमोह लोकसभा सीट पर स्थिति साफ हो गई है। दोनों ने लोकसभा क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख लोधी वोटरों को देखते हुए जातिगत आधार पर अपना नेता चुना है। तरवर सिंह को कमलनाथ का करीबी माना जाता है। इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से तरवर सिंह लोधी बंडा से विधायक बने थे। उन्होंने बीजेपी के हरवंश राठौर को 25,000 वोट से हराया था। हालांकि वर्ष 2023 में कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह को भाजपा के वीरेंद्र लोधी ने 35,000 वोटों के अंतर से हराया। पार्टी ने इसके बाद भी उन पर ही भरोसा जताया है। आपको बता दें कि तरवर सिंह कमलनाथ के करीबी बताए जाते हैं। वर्ष 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ने ही उन्हें टिकट दिलाया था। भाजपा ने लोधी समाज से राहुल सिंह लोधी को प्रत्याशी बनाया। तब से तय था कि कांग्रेस भी किसी लोधी प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी यही समीकरण बना था। प्रहलाद पटेल के खिलाफ कांग्रेस ने प्रताप लोधी को मैदान में उतारा था।
इस बार कांग्रेस का लोधी प्रत्याशी लोकसभा के लिए नया चेहरा है। इससे पहले तरवर ने एक भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है। यही कारण है कि बुंदेलखंड में जातीय गणित के आधार पर लोधी वोट बैंक को महत्व दिया गया है। दमोह लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों पर नजर डाली जाए तो वर्तमान में 3 विधानसभा क्षेत्र में लोधी जाति के विधायक हैं, जिनमें जबेरा से धर्मेंद्र सिंह लोधी जो कि भाजपा के हैं, बड़ा मलहरा से रामसिया भारती कांग्रेस के हैं और बंडा से वीरेंद्र सिंह लोधी भाजपा से शामिल हैं। दमोह विधानसभा से बीजेपी के जयंत मलैया, रहली से बीजेपी के गोपाल भार्गव और देवरी से भी बीजेपी ब्रिज बिहारी पटेरिया विधायक हैं। पथरिया से लखन पटेल जो कि भाजपा विधायक और हटा से भी बीजेपी की उमा देवी खटीक विधायक हैं। 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। दमोह लोकसभा 3 जिलों में आती है, जिनमें दमोह की 4, सागर की 3 व छतरपुर की 1 विधानसभा शामिल है। बात की जाए कांग्रेस प्रत्याशी की तो तरवर सिंह लोधी का राजनीतिक सफर सरपंच पद से शुरू हुआ था। सागर जिले के बंडा ब्लॉक के ग्राम परवार में 9 फरवरी 1980 को जन्मे तरवर सिंह लोधी 2015 में जिला पंचायत सदस्य बने। उन्हें 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट मिला और पहली बार में ही विधायक बन गए। 43 वर्षीय तरवर सिंह 12वीं पास हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 2 पुत्र हैं। उनके पिता निरंजन सिंह एक कृषक हैं। दमोह लोकसभा सीट से तरवर सिंह लोधी का नाम फाइनल होने के पहले टिकट की दौड़ में कांग्रेस के मानक पटेल, गौरव पटेल, डॉक्टर जया लोधी टिकट के दावेदारों में शामिल थे। इन सबके बीच तरवर सिंह लोधी को मौका मिला। कहा यह जाता है कि तरवर सिंह को यदि छोड़ दें तो अन्य कोई दावेदार चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। भाजपा के राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस के तरवर सिंह लोधी में एक बात कॉमन है, दोनों जिला पंचायत सदस्य रहे, फिर एक बार विधायक रहे हैं। फर्क इतना है कि राहुल सिंह ने जयंत मलैया को हराने के 18 महीने के अंदर ही कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था। दमोह उपचुनाव में वह कांग्रेस के अजय टंडन से चुनाव हार गए थे। तरवर सिंह लोधी ने कांग्रेस नहीं छोड़ी, जबकि आए दिन इस प्रकार की अटकलें लगती रही हैं कि राहुल के बाद अब तरवर भी बीजेपी में जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ और तरवर सिंह लोधी पूरे 5 साल विधायक रहे। मध्य प्रदेश की दमोह लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1962 में हुआ। यहां पर शुरुआती 3 चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। दमोह लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी को इस सीट पर पहली जीत 1990 में मिली। 1990 के बाद से ही यहां पर बीजेपी का विजयी सफर जारी है। वह लगातार 8 चुनाव में यहां पर जीत हासिल कर चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नजर लगातार यहां पर 9वीं जीत दर्ज करने पर होगी, तो वही कांग्रेस इस सीट पर एक बार फिर वापसी करना चाहेगी। दमोह लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1962 में हुआ था। तब यह सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित थी। इस चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। 1967 में परिसीमन के बाद यह सीट सामान्य हो गई। 1967 और 1971 में भी कांग्रेस को यहां पर जीत मिली थी। 1977 में यह सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई। भारतीय लोक दल ने इस सीट पर जीत हासिल की। 1980 में कांग्रेस ने यहाँ पर वापसी की। कांग्रेस ने 1984 का चुनाव भी जीता। बीजेपी को पहली बार सीट पर जीत 1989 में मिली। लोकेंद्र सिंह पहली बार यहां से जीतने वाले बीजेपी नेता बने। 1989 में पहली जीत हासिल करने के बाद से बीजेपी को इस सीट पर हार नहीं मिली। उसके जीत का सफर लगातार जारी है। दमोह के अंतर्गत विधानसभा की 8 सीटें आती हैं, देवरी, मलहारा, जबेरा, रहली, पाथरिया, हट्टा, बंडा, दमोह सीटें यहां पर आती हैं। इन 8 सीटों में से 4 पर कांग्रेस का कब्जा है, 3 पर बीजेपी और 1 सीट पर बीएसपी का कब्जा है। दमोह लोकसभा सीट लंबे अरसे से भाजपा का गढ़ बन चुकी है। लोधी समुदाय यहां सबसे अधिक है और भाजपा ने राहुल सिंह लोधी को के तौर पर समाज को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की। दमोह लोकसभा सीट 3 जिलों में फैला है। इसमें 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। सिर्फ 1 सीट बड़ा मलहरा पर ही कांग्रेस की
रामसिया भारती जीतने में कामयाब हुई थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की राह आसान नहीं है, विधानसभा चुनाव में तो लहर चली थी, इसका ही असर था। भाजपा के ज्यादातर विधायक 50,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीते थे। इस बड़े अंतर को पाटना कांग्रेस की पहली चुनौती होगी। लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही राजनीतिक दलों में सरगर्मी तेज हो गई है। इस क्रम में आचार संहिता लागू होने के पूर्व ही भाजपा द्वारा अपनी पहली सूची जारी कर पूर्व विधायक राहुल सिंह लोधी को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। उल्लेखनीय है कि दमोह लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के रूप में अनेक दावेदार सामने आ रहे थे, लेकिन वर्ष 2018 में कांग्रेस से दमोह विधानसभा क्षेत्र से राहुल सिंह लोधी के विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने विधायक व कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। इसके बाद हुए उपचुनाव में उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन से पराजय का सामना करना पड़ा था, लेकिन प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उन्हें मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाते हुए कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था, जिसके बाद लगातार ही वह सक्रियता के साथ क्षेत्र में काम कर रहे थे। वहीं वर्ष 2023 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भी वह दमोह विधानसभा से भाजपा के सशक्त उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें टिकट न मिलते हुए दमोह से पूर्व मंत्री जयंत मलैया को भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था, जिसके उपरांत उन्हें टिकट से वंचित रखते हुए दमोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के दौरान यह आश्वस्त किया गया था कि लोकसभा में आप ही भाजपा के प्रत्याशी होंगे, और इसी का परिणाम है कि उन्हें अपनी ईमानदारी का परिचय का फल देते हुए भाजपा ने पहली ही सूची में दमोह संसदीय क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित किया। इन सभी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता दीपक श्रीवास्तव और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, आपसे जानना चाहेंगे। और बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हमारे साथ रमन खत्री जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम सियासी महाभारत में। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो रमन खत्री जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मायने निकाले जाएंगे, ये दोनों दोस्त भी हैं और रिश्तेदार भी हैं, इसके क्या मायने निकालते हैं आप? राजनीति में ना कभी दोस्ती स्थायी होती है ना दुश्मनी स्थायी होती है। एक समय दोनों दोस्त थे, दोनों यंग हैं, दोनों युवा हैं, और दोनों ने अपना राजनीतिक करियर साथ में शुरू किया था जनप्रतिनिधि के रूप में। परिस्थितियां कुछ ऐसी निर्मित हुई कि राहुल जी को भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा, और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में राहुल जी हम सबके बीच में हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि दमोह में लगभग सभी समाज के लोग जो है वो निवास करते हैं, लेकिन दोनों ही कांग्रेस और भाजपा ने एक ही समाज के तबके को वो अपना लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाया है, इसके क्या मायने निकलते हैं? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चयन के पीछे कभी जातिगत आधार नहीं होता है, और जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि हमारे लिए सिर्फ चार जातियां हैं, गरीब है, युवा है, महिला है और किसान है। तो ऐसे चयन करते समय उस समय यह नहीं देखा जाता कि यह किस जाति या किस उससे बिरादरी से है, सिर्फ कौन भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में किस प्रत्याशी का, किस व्यक्ति का नाम सर्वे में आया है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी चयन करती है। और यह संयोग है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लोधी समाज से राहुल सिंह जी हैं। रमन जी 1989 से भाजपा का ही प्रत्याशी है, और उसके बाद भी दमोह में बहुत सारे ऐसे काम है जो अभी पेंडिंग है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ये एक संयोग कह सकते हैं इसको कि उस समय से जो भी चेहरा भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे चेहरे थे हमारे सारे सामाजिक, उसमें देखे तो कई हमारे दीपू भाई भी थे, सिद्धार्थ भाई भी थे, सारे चेहरे थे, लेकिन परिस्थितियां और सर्वे में जो नाम सामने आया और उस समय से चला आ रहा है, तो ये एक संयोग मात्र है, बाकी ऐसा। दीपक जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्या, आपको क्या लगता है लोकसभा सीट पर दमोह में किसकी इस बार सरकार बनने वाली है, और कांग्रेस को क्या काम करना चाहिए आगे? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 100% कांग्रेस का ही प्रत्याशी जीतने वाला है। जी। दो चीजें मुझे आपके सामने शेयर करना है। पहला तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के जो सम्माननीय प्रवक्ता बैठे हैं रमन भैया, मेरे बड़े भाई भी है और बहुत उनका हम आदर भी करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं
उनको सबसे बड़ी विडंबना उनके साथ ये है कि वो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें किसका विरोध करना है और किसका सपोर्ट करना है। कल तक वो जिस कांग्रेसी का विरोध करते आए हैं वो आज कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो उसके जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। तो ये बड़ी उनके साथ एक दुखद विडंबना बन जाती है कि वो कल रात तक जिसका विरोध करते हैं दूसरे दिन सुबह उसका जिंदाबाद के नारे लगाने पड़ते हैं। दीपक जी, 1990 से कांग्रेस जो है वो वनवास में है, क्या मायने इसके? मैं बता देता हूँ उनको बोलना ही पड़ेगा। और जो हमारी पार्टी परिवार का सदस्य हो गया तो उसके साथ खड़े हैं। मैं वनवास का भी कारण बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले मैडम एक छोटी सी आपको इतिहास की ओर ले जाता हूँ। 2018 में जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ था तो राहुल सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी थे और 2018 में रमन भैया और उनकी पूरी टीम ने इन्हें अयोग्य प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस की तरफ से इनके खुल कर विरोध किया था और भारतीय जनता पार्टी को जीत के लगातार इन्होंने प्रयास किए थे। लेकिन वही अयोग्य प्रत्याशी उस समय कांग्रेस ही के थे और उस समय आपके लिए अयोग्य थे वो। दीपक जी, आपको याद दिला दूं, 3.5 लाख वोटों से प्रत्याशी हारे थे, उससे ज्यादा से। जी, एक मिनट आपको थोड़ा सा अभी वर्तमान प्रत्याशी के विषय में इतना बता दूं आपको कि जो अयोग्य कांग्रेस में 2018 में ये अयोग्य प्रत्याशी थे, जैसे ये भारतीय जनता पार्टी में 2020 में आते हैं तो अचानक इनकी अयोग्यता योग्यता में बदल जाती है। और 2021 के साथ थे, अब वो सही पार्टी में आए, 2000 सही विचारधारा के साथ जुड़ गए हैं। अच्छा, विचारधारा के साथ योग्यता और अयोग्यता डिसाइड की जाती है। और एक और महत्वपूर्ण बात मैडम आपको बता दें, नहीं मैंने जैसा बताया कि परिस्थिति उस समय, मैं कह रहा हूं कि राहुल जी गलत पार्टी में थे, गलत विचारधारा के साथ थे, समय रहते उनको लगता है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी विचारधारा को लेकर काम करे जो परिवारवाद को लेकर नहीं, अपने देश कैसे ऊपर जाए, अपना भारत माता का पुनः गौरव कैसे प्राप्त हो, इसको लेकर काम करने वाली पार्टी है। राहुल जी को ये बात समझ में, वो भारतीय जनता पार्टी में आए। यहाँ पर थोड़ा सा रमन भैया को टोकेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा सा टोकेंगे। उनकी एक बात मुझे अभी अचानक याद आई, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सर्वे के हिसाब से टिकट देती है, तो ये पूरा दमोह जिले की लोकसभा, जो 7 लोकसभा दमोह क्षेत्र आता है, दमोह लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी से कहीं भी सर्वे में राहुल सिंह का नाम नहीं था। बात तो चलता ही आ रहा है और देखने को भी मिलता है। जी, कैसा? राहुल सिंह कहीं भी सर्वे में नहीं थे मैडम, ना ही उनका सर्वे में नाम था। क्योंकि वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो उनसे प्रॉमिस किया गया था कि आपको चुनाव लड़वाया जाएगा। ये रमन भैया भी जानते हैं कि सर्वे में राहुल सिंह का नाम नहीं था, सर्वे में राहुल सिंह का नाम नहीं था। अरे 5 लोग थे सर्वे में और जो ज्यादा, राहुल सिंह कहीं नहीं था उसमें। सर्वे की बात तो वैसे भी खत्म हो जाती है, सीएम का नाम जो था वो सर्वे में कुछ और ही था और अब कुछ और ही सीएम बने हैं। जी, तो भारतीय जनता पार्टी के विषय में ये ना कहा जाए कि वो सर्वे देखकर वोट टिकट देती है, ये मैं बस इतना आपत्ति दर्ज करूंगा कि ये ना कहा जाए कि सर्वे देखकर टिकट दी जाती है। सर्वे देखकर टिकट नहीं दी जाती है। जैसे आप भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं आपको कुछ प्रॉमिस किए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी वो प्रॉमिस पूरे करती है। और जो भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता है, जी मैडम ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो ईमानदार कार्यकर्ता हैं, जैसे सम्मानीय रमन भैया है, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी से काम करते रहे हैं। लेकिन ऐसे ईमानदार कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी नकार देती है और बाहर से आए प्रत्याशियों को टिकट दे देती है। क्या काम करना है इसका पार्टी तय करती है, और मुझे जो सम्मान पार्टी से मिला है वो अलग है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बदल गई है, भारतीय जनता पार्टी के जो मूल सिद्धांत है वो खत्म हो चुके हैं। ईमानदार कार्यकर्ताओं को मैडम कहीं जगह नहीं है। अगर आप पूरे मध्य प्रदेश में देख लें तो जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर घूमते थे उन्हें कहीं भी से भी टिकट नहीं दी गई है। टिकट किसको दी गई है? जो भाग दौड़ करके आए हैं, उछल कूद करके आए हैं, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है। आप पूछिए इनसे कि क्यों दे रहे हैं आप टिकट उनको, क्या भारतीय जनता पार्टी में योग्य प्रत्याशी नहीं है क्या? नहीं, कार्यकर्ताओं को भरमार है योग्य कार्यकर्ताओं की, लेकिन किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका होगी? दीपक जी, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़क पर क्यों नहीं जाती है? सड़क पर मैडम कांग्रेस लगातार है और दमोह लोकसभा की स्थिति में आपको बता दूं कि यहाँ टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा ही चल रहा है 2021 से। 2021 में यही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से 17,000 वोटों से विधानसभा चुनाव हारे थे और सिर्फ इसी मुद्दे पे हारे थे, टिकाऊ और बिकाऊ के मुद्दे पर। क्योंकि इनकी जो वास्तविक स्थितियों में आपको एक चीज बता दूं, आदरणीय रमन भैया बैठे हुए हैं, ठीक है, मान लेते हैं। दीपक जी, अब आप ये बताइए कि इस लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी है? सबसे बड़ा मुद्दा तो देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी की अगर आप पूरी चुनावी सभाएं देख लें
तो कहीं भी रोजगार की बात नहीं करते, कहीं भी महंगाई की बात नहीं करते, कहीं महिलाओं की बात नहीं करते, सिर्फ बात किस बात की होती है, धार्मिक राजनीति की। आप बताएं रोजगार क्यों नहीं दे रहे आप, रोजगार के विषय में क्यों बात नहीं करते। माननीय मोदी जी की आप एक भी सभा सुन लीजिए, जितनी भी सभा उन्होंने 20 लोकसभा चुनाव में की है, अगर महंगाई पर एक शब्द भी बोला हो तो आप कोट कर लीजिए कि नई सभा में महंगाई को बोला। आपके पास कुछ चीजें दीपक जी पब्लिक और जनता के लिए भी छोड़ देना चाहिए कि वो जनता ने क्या तय करके रखा है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, गरीबों की चिंता नहीं करी होती तो पिछले 10 साल से स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनाती। महंगाई की बात क्यों नहीं करते? महंगाई की बात तो हो ही नहीं रही है रमन जी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मैडम महंगाई की बात हो रही है उसको पूरे चिंता की जा रही है, और इस बात को लेके हम चिंता न करें। अगर जनता को लग रहा है कि महंगाई है या नहीं है, ये तो जनता अपने मत के हिसाब से। रोजगार की बात नहीं करते आप, वो भी युवा तय करने वाले हैं। इस बार युवाओं को तो चुनावी रैलियों में व्यस्त कर दिया आपने, युवाओं को तो मैडम चुनावी रैलियों में व्यस्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अभी अभी 19 तारीख को अभी उन्हें सही है क्या गलत है? मैडम एक चीज सुन लीजिए, अभी युवाओं की जो बात कर रहे हैं, युवाओं को तो चुनावी रैलियों में व्यस्त कर दिया। अभी 19 तारीख को माननीय मोदी जी आ रहे हैं दमोह, तो इनका लक्ष्य है की 2 लाख लोग वहाँ पहुँचने चाहिए, तो 2 लाख में से 1 लाख युवा पहुंचेंगे। ये वो बेरोजगार युवा है जिन्हें युवा। चलिए रमन जी आप बताइए कि बेरोजगार युवकों के लिए दमोह में भाजपा क्या काम कर रही है? भाजपा बेरोजगार युवकों के लिए क्या काम कर रही है दमोह में? बेरोजगारों के लिए दमोह में नहीं, पूरे देश और प्रदेश में काम कर रही है। लगातार मैडम पलायन हो रहा है दमोह से, लगातार पलायन हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अगर इस तरीके को कोई बात होती सरकार के विरोध में, तो इस तरीके का माहौल पूरे देश और प्रदेश में नहीं होता। हमारे यहाँ से एक ट्रेन मैडम दिल्ली जाती है, गोंडवाना एक्सप्रेस, उसमें अगर आप देख लें एक सिंगल सीट खाली नहीं रहती। सभी मजदूर पलायन करते हैं दिल्ली के लिए, सभी मजदूर। रोजगार के नाम पर दमोह में कुछ नहीं है। आप एक चीज बता दें कि ये चीज रोजगार के नाम पर है। दो सीमेंट फैक्ट्री हमारे एक दमोह में गैसावाद के पास आने वाली है, इसको लेके चिंता की जा रही है लगातार। मैडम आने वाली है। चलिए विकास के मुद्दों पर हर बार चुनाव लड़ते हैं, तो इस बार क्या रणनीति है चुनाव में विकास को लेकर? दमोह में आप एक बार अगर घूम जाए तो आपको दमोह का विकास दिख जाएगा। किन किन चीजों की जरूरत है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है मैडम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक बार अगर दमोह आ जाएंगी तो आज हमारी बात और अगर रमन भैया की बात में कितनी सत्यता है आपको स्वयं दिख जाएगा। दीपक जी क्या क्या जरूरतें हैं दमोह में? दमोह में सबसे पहले तो रोजगार की जरूरत है मैडम, बहुत अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ का युवा है वो रैली, जुलूस और धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा उसके पास कोई काम बचा नहीं है, तो रोजगार सबसे प्रमुख मुद्दा है। दूसरा, दमोह के जो धार्मिक क्षेत्र है उनका उद्धार नहीं हो रहा, उनका विकास नहीं हो रहा, सिर्फ उनको वादों के रूप में कर दिया जाता है कि इनका विकास होगा, उद्धार होगा। गांव की स्थिति अगर आप जाके देख लें तो वहां पर अशिक्षा भी है, भुखमरी भी है, हर प्रकार से दमोह पिछड़ा हुआ है। और लगातार जो आपने कहा था ना कि 89 से भाजपा के यहाँ पर प्रत्याशी सांसद के रूप में जीतते आ रहे हैं, तो अगर आप भाजपा इतने लंबे समय से जीत रही है तो दमोह को तो स्वर्णिम अक्षरों में गिना जाना चाहिए मध्य प्रदेश में, लेकिन पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है बुंदेलखंड का। रमन जी आपसे जानना चाहेंगे कि 1989 से दमोह में भाजपा की सरकार है, वहां के मंत्री भी है, तो ये सब जो आरोप लगा रहे हैं दीपक जी उसको पूरा अभी तक क्यों नहीं किया गया है? नहीं देखिए ये बात सही है कि रोजगार को लेके पूरे तरीके से जो सरकार होती है उस पे उसको रोजगार की व्यवस्था नहीं कर सकती है, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड की भी बात होती है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चिंता कर रही है, अलग अलग कैटेगरी में लोगों को लोन और मुद्रा लोन उस तरीके से अभी मुख्यमंत्री द्वारा जो दिए जा रहे हैं उसकी चिंता कर रही है। तो क्या आप ये स्वीकार करते हैं रमन जी कि जितना काम होना चाहिए था दमोह में उतना नहीं हो पाया? नहीं ऐसा नहीं है, अगर नहीं हो पाता, आपने ही अपना उनको दीपक जी को अपने रिकॉर्ड बताया कि पिछले लगभग 30-32 सालों से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है, ऐसा नहीं है, काम हो रहे हैं, लोगों को भरोसा है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है, तब ना इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा विधानसभा में दमोह में जीत रही है। मैडम अगर भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा होता तो मैं आप रमन भैया से ही पूछना चाहता हूं। चलिए हम मानते हैं कि भरोसा है रमन जी, लेकिन इतने सालों से जनता जो है वो वोट भाजपा को दे रही है, आपके मंत्री भी हैं, आपके सांसद भी हैं, तो फिर दमोह में इतना काम क्यों नहीं हो पाया, क्यों नहीं उतर पाई भाजपा खड़ी?
आप आज से जो 30-35 साल पहले दमोह था और आज का दमोह है, आप दोनों को उठा के मैं चाहता हूँ। जो दीपक जी कह रहे हैं कि आप आके एक बार देखिए वो दमोह कैसा था और आज दमोह क्या है, दमोह का कितना भौगोलिक और सारी स्थितियों में कितना चेंज आया है, दमोह को रोजगार को लेकर कितने साधन उपलब्ध, सारी चीजें आप देखिए ना। तब तो ये स्थिति है ना कि लगातार युवा और पूरे सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सपोर्ट करते हैं, हमेशा चला हूं मैं। एक बार आप, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग देखिए आते दमोह की वास्तविक स्थिति। दीपक जी, वोट के मामले में 30% ही वोट मिले थे कांग्रेस को पिछली बार की, अगर अपन आंकड़े देखे तो पिछले बार की जो स्थिति थी मैडम और इस बार की स्थिति, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उन्हें दमोह की जनता और दमोह लोकसभा क्षेत्र के लोग और आदरणीय रमन भैया भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनकी वास्तविक स्थिति दमोह में क्या है, वो किस उद्देश्य को लेकर राजनीति में आए थे और उनका उद्देश्य कहाँ से कहाँ भटक गया है, ये सब जानते हैं। चलिए जी, हमारा संपर्क टूट चुका है रमन जी से, तो धन्यवाद दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने आपका बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरतलब है दमोह लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां दो दोस्त एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे हैं, एक समय एक ही पार्टी के नेता आज एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब देखना होगा बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली दमोह सीट पर कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ पाती है या फिर इस बार भी उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी।